इनका सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, वहाँ भी इन्होंने डेढ़ डेढ़ फुट के खड्डे निकाल के रखे हैं। गाड़ी की टेस्टिंग की जाती है भिंडी का, जहाँ पे कोई यात्रा आ रही है तभी हम खड़े हैं साइड पे। तो चलो ठीक है भाई, ब्लॉग में लास्ट तो बने रहो, आगे देख सकते हो भाई बफेलो आ गई, बोलते टोल कटाओ। क्या अभी भाई तूफान और बारिश का मौसम बन गया एकदम से, देख सकते हो आओ भाई बादल। फाइनली गाइस भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो गई, अभी जल्दी से मैं भाई गोप्रो खोल के अपना बैग में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी का हम शूट भाई फ़ोन से करते हैं, तो बताते हैं भाई आपको आगे का क्या सीन है। तो फाइनली गाइस आपका भाई महिंद्रा का शोरूम खुला है यहाँ पे, जहाँ पे पहुँचा है हैवी बारिश हो गई रात को। तो हेलो जी, कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, आई होप है कि आप सब बड़े होंगे और बड़े रहने चाहिए। तो आपका होस्ट और आपका दोस्त हाजिर है एक नया दिन एक नई वीडियो में, स्वागत है आप सभी का। तो भाई बता देना चाहता हूँ, आज अपनी एक बजे से लॉगिन है, कल हमने छुट्टी रखी थी, कल भाई व्रत था जन्माष्टमी का, ठीक है। तो अभी एक बजे निकल रहे हैं हम, तो मैं आपको टैंक चेक करवा देता हूँ जो 1100 का फ्यूल अप करवाया है, अभी कितना फ्यूल बचा है। और भाई साथ में चैन सेट को इंजन ऑयल वगैरह करते हैं। एक बजे से लॉगिन है, 12 बजे तक कंटिन्यू काम करेंगे, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, करो ब्लॉग को पूरा फुल इन्जॉय। तो अभी जहाँ पे बताते हैं भाई आपको, जो 1100 टैंकी फुल करवाई थी उसका कितना पेट्रोल जो हमने अभी तक यूज़ किया है। तो जहाँ पे देख सकते हो भाई 2 पॉइंट हैं, मतलब ये आज का दिन चल जाएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं, कल हमने 2 ही दिन काम किया, आज तीसरे दिन हम काम करें, टैंकी फुल करवा के 2 पॉइंट बचे हैं। अलग देख सकते हो कितना पेट्रोल यूज़ हो गया भाई। तो अभी जहाँ पे बताते हैं भाई, हमने एक हेलमेट एक्स्ट्रा लेके रखी है, ये 150 रुपये की ली थी, क्योंकि जब हमने ब्लॉग वगैरह शूट नहीं करना होता था, हम दूसरे हेलमेट गोप्रो वाली को भाई बैग में डाल देते हैं, तो इसको पहन लेते हैं, क्योंकि बाल वगैरह काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे, हवा नहीं लगती सर में, तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा रखी है भाई साथ में। तो जहाँ पे अपनी वाटर बॉटल आ गई, पावर बैंक आ गया, ग्लव्स आ गए, रेनकोट भी डाला हमने आज, थोड़ा बादल वगैरह लगे। तो जहाँ पे चैन सेट है भाई, थोड़ा सूख गया है, इसको ऑयल वगैरह करते हैं, खुद ही करते हैं हम ऑयलिंग, तो खुद ही करते हैं, अगर ढीला हो जाए तो टाइट करवाते हैं बाहर से, नहीं तो हम इंजन ऑयल खुद चैन ऑयल खुद ही करते हैं भाई। तो जल्दी से चैन ऑयल करते हैं फिर निकलते हैं घर से। जो भी पुराना हमारा बाइक का इंजन ऑयल होता है उसको मैं खुद वापस ले आता हूँ, और चैन ऑयलिंग भाई खुद करता हूँ, क्योंकि चैन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसका चैन ओपन है भाई, इसको कवर वगैरह कुछ नहीं है, मिट्टी वगैरह ज़्यादा लगती है, अगर चैन ऑयल नहीं देंगे तो जल्दी से चैन सेट ख़राब हो जाएगा, फिर चैन सेट जल्दी चेंज कराना पड़ेगा। अभी तक तो मेरी ओरिजिनल वाला चैन सेट है और 40,000 बाइक चल चुकी है, सोच सकते भाई 40,000 तक चैन चल रहा है अभी हमारा। A few moments later. तो भैया आज का अपने को पहला ऑर्डर मिल चुका है, 2 ओनियन है SK अमृतसरी, क्योंकि SK अमृतसरी कुलचा हट है सुभाष नगर में, इसको लेके जाना भाई अक्कलपुर। तो जल्दी से चलते हैं अक्कलपुर में, ड्रॉप करते बताते हैं भाई, पहला ऑर्डर ही हमें अक्कलपुर का पड़ गया। घर पे आईडी ऑन करी थी, 1:15 भी ऑर्डर साइन हो गया, 5 मिनट लग गया आने में, तो ऑर्डर पिक कर लिया हमने, जल्दी से निकल रहे हैं यहाँ से। तो ऑर्डर ड्रॉप करते हैं, उसके बाद बताते हैं हमें कौन सा ऑर्डर साइन होता है। और भाई गर्मी देख सकते हो कितनी भयंकर वाली धूप पड़ रही है जम्मू में। अक्कलपुर की अयोध्या इनक्लेव में ऑर्डर डिलीवर होने जा रहा है भाई, देख सकते हो ये भी कच्चा ही रास्ता है, हालांकि जहाँ पे तो टाइलिंग शाइलिंग कोई कुछ नहीं की गई है। तो फिलहाल तो लोकेशन पता नहीं, कस्टमर को कॉल करते हैं फिर ये ऑर्डर डिलीवर हो पाएगा जे, क्योंकि लोकेशन गलत है और फिर भी कंपनी ने वेरीफाई की है। जहाँ पर आज का अपना पहला ऑर्डर डिलीवर हो गया, पहला ऑर्डर कुछ इस तरह की लोकेशन पर डिलीवर हो गया भाई अपना, ठीक है। अभी यहाँ पे घर वगैरह बनाया जा रहे हैं, सोच सकते हो अक्कलपुर रोड, अक्कलपुर का रोड वो उधर से जा रहा है भाई, थोड़ा सा अंदर भाई टाइलों वाली शॉप थी, एड्रेस में कस्टमर ने सही लिखा है, लोकेशन हालांकि गलत बता रही थी, फिर भी हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया भाई। जल्दी से सिटी चलते हैं और आगे कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है तो बताते हैं आपको। आगे जगह जर्नी फाउंडेशन आएगी भाई रास्ते में, हम वहाँ से खाना खाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो भैया आज डी विलेज से हमें दूसरा ऑर्डर साइन हुआ था, आधा घंटा वेट करने के बाद हमें ऑर्डर मिल रहा है। अरे भाई कस्टमर पता नहीं क्या बोलेगा, फिलहाल तो अमर कॉलोनी जाना है, जल्दी से चलते हैं भाई, ऑर्डर डालते हैं बैग में, मौसम भी ठंडा हो गया, थोड़ा बादल वगैरह लग गए हैं, तो जल्दी से ऑर्डर डिलीवर करते हैं, उसके बाद बताते कौन कौन से ऑर्डर साइन होते हैं हमें आज। फाइनली गाइस अपना भाई दूसरा ऑर्डर डिलीवर हो गया, डी विलेज का 58 मिनट लग गया, समझ सकते हो जब मेरे को ऑर्डर साइन हुआ पिकअप और ड्रॉप, 1 घंटा एक ही ऑर्डर में लग गया, 36 रुपये का ऑर्डर साइन हुआ था, क्या कमाई करनी है हमने, स्टार गिग मेरी इसी में ख़त्म हो गई भाई, 4 मिनट बच गए 3 रुपये बचने में, देख सकते हो आप भाई इतना लेट करेगा रेस्टोरेंट तो कैसे काम चलेगा यार, और भी तो ऑर्डर करने हैं, आगे कंपनी अर्निंग कुछ नहीं दे रही और कुछ रेस्टोरेंट वाले लेट कर देते हैं। तो अभी फाइनली गाइस हमें ऑर्डर पड़ चुका है भाई हंगरी पॉइंट से, तालाब तिल्लो से, तो भाई इसको लेके जाना है हमने फ्लाई मंडाल भाई, अपने मामू घर जाना है ऑर्डर लेके, हो सकता है आपका भाई मामू घर भी जाए, ठीक है ना। तो चौथे तवी ब्रिज से जाना हमने उत्तर बीच से, तो आपको आज रास्ता बताते भाई फ्लाई मंडाल कहाँ से जाते हैं,
हालांकि कंपनी पैसे तो कुछ नहीं दे रही, पर एक्साइटमेंट बड़ी है भाई जाने की, ठीक है ना। मामू घर भी होके आ जाएंगे साथ में। जाना तो कल था, कल तो मैं गया नहीं, कल पूरा दिन सोया रहा आपका भाई, तो अभी निकल रहे हैं भाई, जल्दी से चलते हैं, बताते हैं फ्लाई मंडाल कहाँ से जाता है रास्ता और कितनी दूर है, कितने पैसे दे रही है कंपनी हमें। भाई मैं टर्न लेके वापस आ गया हूँ, जहाँ से हमें हो जाना लेफ्ट साइड, ठीक है ना, आराम से टर्न मारने से अच्छा है 2-4 मिनट एक्स्ट्रा चल लो भाई, टर्न लेके आगे से आ जाओ, बड़े आराम से बंदा जा सकता है भाई। कई बार तो अगर ट्रैफिक वाले बैठे होते भाई ज़रूरी चलान करवाना है, अरे 100 रुपये का 120 रुपये का ऑर्डर साइन होगा, उसके चक्कर में भाई 500 का या 1000 का चलान हो जाएगा, वो अच्छा नहीं है भाई। इसलिए मैं तो ये कहूँगा भाई सीधे से टर्न लो, 200-400 मीटर एक्स्ट्रा चल जाए बंदा, कोई चक्कर नहीं है। हालांकि भैया लिफ्ट मांग रहे हैं, पर अपने पास बैग है, हम आपको लिफ्ट नहीं दे सकते, नेक्स्ट टाइम आएंगे बैग भी लाएंगे, आपको लिफ्ट जरूर देंगे। तो भाई भैया तो चलो ठीक है भाई, ब्लॉग में लास्ट बने रहो, आगे देख सकते हो बफेलो आ गई, बोलते टोल कटाओ, अरे रोड ही रोड पे ही सारा गोबर है, टोल किस बात का कटाएं तेरे से। तो भैया ये देखो भैया, जहाँ पे कुछ ऐसे ड्राइवर मिलते हैं जो सीधा हिट करते हैं बंदे को आके, बंदा गोबर में घुसा लो भाई गाड़ी, हिट करवाने से अच्छा बंदा गोबर में घुस जाए भाई, धुल जाएगा, कहीं लग लुक गई वो हड्डी नहीं जुड़ेगी धोने से। तो भी ठीक है, रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मिलते हैं भैया आपको। अभी आप लोग देखो तो विलेज वाइब से पेड़ हैं दोनों साइड, इधर भी उधर, ये तभी के बीचों बीच का रास्ता है। और भाई हालांकि जो ऑर्डर कहीं सूडे जाक में जाना है, बीच में हाईवे भी आएगा वो भी बताएंगे भाई आपको, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है भाई ये, ठीक है। मैं इस रोड से बाकी हूँ, चप्पे चप्पे से बाकी हूँ, क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहता है यहाँ पे, तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया भाई, उससे भी मिलने जा रहे हैं। तो भाई जहाँ से हमें हो जाना लेफ्ट, मामूगर जाने से पहले ही रास्ता कट गया भाई, डिवाइड हो गया यहाँ से, समझ सकते हो आप लोग। तो भाई जहाँ से जा रहा होगा भाई, घनी हरियाली है, गोबर के ढेर लगे हैं बड़े बड़े, चावल की खेती हुई है भाई, चावल लग गए हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। और भाई आपका भाई पहुँच चुका है गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सूडा जाकर में, और भाई लोग ऐसे देख रहे हैं, दुनिया में सातवा अजूबा मैं ही आ गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने बैग बांधा भाई बाइक पे, और लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या बेचने वाला आ गया। हालांकि कस्टमर से कैश लेनी है, तो पहले फ़ोन करते हैं फिर बताते हैं आगे। फाइनली गाइस जहाँ पे अपना ऑर्डर डिलीवर हो चुका है भाई, 9.5 किलोमीटर का 106 रुपया भाई कंपनी ने दिया स्कूल के बाहर, हालांकि अपना ऑर्डर डिलीवर हो गया जहीं पे कस्टमर आया था। और भाई कस्टमर बोल रहा है पॉलीथीन तो लाना था यार, अभी मैं कैसे लेके जाऊँ, कस्टमर थोड़ा घर पीछे होगा तो वो बाइक लेके आए थे यार, तो बोलते ऐसे ऑर्डर गिर जाएगा यार। 2000 years later फ्लाइम डाल से आते 4th तभी ब्रिज भी आपका भाई पहुंचा था, तो वहां से हमें ऑर्डर साइन हो चुका था भाई सिद्धड़ा का। तो जहां पे कोई हेलमेट छोड़ के चला गया भाई, जिसको भी ज़रूरत है वो आके हेलमेट ले जा सकता है भाई, किसी ने हेलमेट रख दी अपनी जहां पे भाई, किसी ने कसम खा लिया हेलमेट दे देनी किसी को, हम तो लेके नहीं जा रहे, हमारे पास आगे 2 पड़ी हैं आपको पता है भाई। तो मैंने भैया को बता दिया, भैया ध्यान रखना अगर कोई नहीं आता तो हेलमेट को विलुप्त कर दो आप। बस अभी हम सिद्धड़ा के लिए जा रहे हैं, काफ़ी दूर से 2.5-3 किलोमीटर का पिकअप पड़ा और 8 किलोमीटर का ड्रॉप है, तो जल्दी से चलते हैं सिद्धड़ा जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो बताते हैं आपको। तो अभी फाइनली गाइस सिद्धड़ा वाला ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो अभी हम सिटी जाते हैं तो बताते हैं आगे कितनी अर्निंग होती है आज की और इंडिया जहाँ पे कोई यात्रा आ रही है। तो अभी हम खड़े हैं साइड पर, तो भाई जहाँ पे हमें कुछ प्रसाद मिल रहा है,
भी हम चलते हैं आस्ता आस्ता। तो भाई शोभा यात्रा जा रही थी ठाकुर जी महाराज जी की। भाई थोड़ा डाइवर्जन भी था, पहले उन्होंने ऊपर से नहीं आना था यहाँ पर, मैं नीचे से आया, पर ठाकुर जी के दर्शन हो गए और हमें भी प्रसाद मिल गया। तो भाई रावल भिंडी जी का ऑर्डर लेके हमने जाना है, 4 प्लेट पूड़ी जाना है, 1 लस्सी है, बत्रा हॉस्पिटल। 4 प्लेट पूड़ी लस्सी चने डाल के बैग फुल हो गया अपना, रावल भिंडी से ऑर्डर पिक हो गया। तो भाई जहाँ से 9.5 किलोमीटर अगर हम ठंडी सड़क से जाते हैं तो हमें ठंडी सड़क से जाना है, ठीक है ना। दूसरी साइड से भाई रोड का काम लगा है, 6 लेन बन रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी डैम्पर वगैरह चलते हैं तो दिक्कत आती है। तो जल्दी से चलते हैं, बताते हैं इसके कितने पैसे मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होता तो मिलते हैं आपसे। आप सभी को पता है कि आपका भाई बत्रा जा रहा है ऑर्डर लेके, तभी हम फ्लाई ओवर के ऊपर से जाती है आज, नहीं तो हम नीचे नीचे से जाती ऑर्डर डिलीवर करके आते। पर इधर से हमको फर्स्ट टाइम ऑर्डर पड़ती, क्योंकि हमें इधर से मौका मिलती थी इनको भाई बत्रा जाने का, रोड का व्यू चेक कराने का। और भाई अपनी एन एस की बाइक आवाज़ चेक करो भाई, एकदम से KTM लगती है, ठीक है भाई। बबलिंग दोबारा स्टार्ट हुई, मेरे को लगता है दोबारा से कुछ पंचर हो गया टायर, कल तो बबलिंग बिल्कुल बंद थी, आज बबलिंग दोबारा स्टार्ट हुई, जब पंचर हो गया जब पंचर लीक हो गया भाई। गाइस आपका भाई बत्रा पहुंच गया, आपको रात को जो मैंने बताया रोड की कंडीशन शायद ही आपको दिखी होगी, दिन को बताते हैं भाई इनके रोड की क्या खस्ता हालत है। भाई जहाँ पे इनका सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं वहाँ भी इन्होंने 1.5 फुट के खड्डे निकाल के रखे हैं। गाड़ी की टेस्टिंग की जाती है, एम्बुलेंस की टेस्टिंग की जाती है भाई, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और कितने शाकर की मजबूती है। और भाई उससे थोड़ी सी आगे आप आते हो तो भाई उसके आगे भी रोड में खड्डे ही मिलेंगे आपको, आपने क्या सोचा टाइलें लगी हैं रोड में भाई। वेरी बैड कंडीशन रोड हॉस्पिटल, भाई देख सकते किस तरह से डेवलप किया जा रहा है बत्रा हॉस्पिटल को, मेरे को ये समझ नहीं आती भाई। जितनी बार आते जाए मिट्टी बजरी डाल दी जाती है, हालांकि जहाँ पे भी सिस्टम है गया। और भाई ये आ गया जहाँ पे बत्रा का नक्शा, और भाई बोल रहे जम्मू स्मार्ट सिटी, अरे भाई कम से कम हॉस्पिटल के रोड में तो लुक डालो यार, कोई मरीज तो सही सलामत पहुँच जाए। बाकी पूरा रोड हाईवे पूरा सही है, थोड़ा भाई अंदर इन्होंने खड्डे निकाल दिए हैं, बची कुची जान जहाँ भी निकल जाए। उस बत्रा हॉस्टल में अपना ऑर्डर डिलीवर हो गया है, तो जहाँ पे बताते हैं हमें कंपनी ने कितनी राशि दी है, जो हमें कंपनी ने दी है जहाँ तक आने की। ओ माय गॉड, ये हम आपको लास्ट में बताती कि कितनी राशि हमें आती। तो भी फाइनली गाइस सालिका से हमें ऑर्डर ले लिया, तो भैया मिल चुके हमें जहाँ पे, भैया ने भी ऑर्डर ले लिया। भाई हमने अंदर गए थे 5 डोसा मिले हैं, 5 डोसा और अचारी चाँप है। हालांकि हमें बर्थडे ऑर्डर करने चाहिए था, 1500 रुपये का ऑर्डर, हमने किया ही नहीं, ये हमने अभी देखा है। तो भाई काफ़ी अच्छा स्टाफ है, हमें अंदर खड़े होने दिया, ठंडे एसी में रुके हम। हालांकि कुछ रेस्टोरेंट जो हमें जाने नहीं देते भाई, अंदर बोलते बाहर ही वेट करो। तो भाई इन्होंने पानी भी पिलाया अपने को बिठा के, पूछ रहे थे कुछ खाना है, मैंने बोला नहीं नेक्स्ट टाइम जरूर खा के जाएंगे आपसे। A few moments later, अभी भाई वो खुश नसीब घड़ी आ गया और 26 हो रहे हैं, और मैं बिकानो के बाहर खड़ा था अपने को ऑर्डर, भाई मैकडोनल्ड का साइन हो गया। तो भैया ऑर्डर लेके जाना है मेरे को एक्सटेंशन भारत नगर तालाब तिल्लो में, तो कंपनी 70 रुपये दे रही है, 3 किलोमीटर का पिकअप है, 5.5 किलोमीटर का ड्रॉप है, देख सकते हो स्टार गिग में क्या हाल हो गया आज। हमें तो इतनी दूर से पिकअप पड़ गया, अंकल तो इंजॉय कर रहे हैं एसी में। भाई 1100 का फ्यूल अप करवाने के बाद आज हमने दोबारा 220 का फ्यूल अप करवाया, क्योंकि रात को लेट नाइट काम करना है भाई, रिस्क नहीं लेना, ख़त्म हो जाए एवरेज फिर कभी नाप लेंगे, अगर इसमें डला रहेगा तो अपने पास ही रहेगा, ना कि एक्स्ट्रा खाएगी अपनी भाई। अगर लेट नाइट काम करना फिर दिक्कत आ जाती है भाई, फिर जानीपुर और सिटी के ऑर्डर पड़ते हैं, और फिर पेट्रोल पम्प के सी में खुला होता है, और भाई रात को पेट्रोल पम्प आसपास कोई सिटी में खुला नहीं होता, सिर्फ एक के सी में 24 आवर खुला रहता है, फिर वहाँ से फ्यूल अप करवाना पड़ेगा हमें। अभी फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो 8:43 पे हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया भाई भारत नगर में। ऑर्डर जल्दी से डिलीवर करते हैं, उसके बाद बताते हैं हमें कौन सा ऑर्डर साइन होता है। 2000 years later 11:52 हो रहे हैं, और हमें ममाज किचन के नाम से रेस्टोरेंट से भाई ऑर्डर साइन हो चुका है। तो भाई इसमें कस्टमर मैसेज कर रहा है, पहुँच के कॉल कर लेना। तो जल्दी से चलते हैं ऑर्डर पिक करते हैं, फिर बताते हैं कहाँ पर ड्रॉप करना है भाई, 5 किलोमीटर ड्रॉप करना। फाइनली गाइज हमें आते ऑर्डर रेडी मिला, 12:03 पे ऑर्डर कर लिया हमने पिक। तो भाई इसको ड्रॉप करना है एकता विहार अपोजिट रेवेन्यू डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अमर कॉलोनी। तो जल्दी से जल्दी वहाँ पर ड्रॉप करते हैं, 12:04 हुए, 2 बजे तक के स्लॉट अपने पास, 1 से 2 का स्लॉट भी है, तो जल्दी से चलते हैं, फिर बताते हैं लेटर नाइट में कौन कौन से ऑर्डर साइन होते हैं हमें। फाइनली गाइज जहाँ पे अपना जे ऑर्डर डिलीवर हो गया 12:14 पे, ठीक है, अंकल की स्माइल देखो जहाँ पे जोमेटो की। अभी बताते हैं आगे लेटर नाइट में कौन सा ऑर्डर हमें साइन होता है। 1 eternity later
गाइस हमें ग्रैंड स्टैंड से ऑर्डर मिल चुका है भाई, बोतल देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी है। जल्दी से चलते हैं भाई, लिफ्ट बुलाते हैं ऊपर, लिफ्ट आ रही है ऊपर, जल्दी से चलते हैं नीचे भाई रूपनगर जाना लेके। इसके बाद हो सकता है हमें एक ऑर्डर और पड़ जाए, तो वही ऑर्डर लेके हम घर चले जाएंगे। तो अभी भाई हम ग्रैंड स्टैंड के बाहर तो आ चुके हैं, ठीक है। अभी भाई तूफान और बारिश का मौसम बन गया एकदम से, देख सकते हो भाई बादल चमक रहा है भाई। मेरे को लगता नहीं कि आपको गोबरों में दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से चलते हैं भाई, ऑर्डर ड्रॉप करते हैं फिर बताते हैं आगे भाई। एक से दो का भी स्लॉट है अपने पास भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा। फाइनली गाइस भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो गई। अभी जल्दी से मैं भाई गोबरों खोल के अपना बैग में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी का हम शूट भाई फ़ोन से करते हैं, तो बताते हैं भाई आपको आगे का कैसे है। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो फाइनली गाइस आपका भाई महिंद्रा का शोरूम खुला है यहाँ पे, जहाँ पे पहुँचा है। हैवी बारिश हो गई रात को भाई, रात को इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है ना। और अभी टाइम देख सकते हो आप लोग भाई, मैंने ना फ़ोन कवर भी लाया है निकला भाई, अभी टाइम भी दिखाई नहीं देगा आपको। तो अभी भाई बादल वगैरह देख सकते हो किस तरह से चमक रहे हैं, भयंकर वाली बारिश हो रही है। तो अभी हम रुके थे, थोड़ी बारिश रुक गई है, तो जल्दी से चलते हैं भाई, कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करते हैं, उसके बाद का सीन देखते हैं भाई क्या सीन है। यहाँ पे भाई अपना ऑर्डर डिलीवर हो गया भाई, टाइम देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है, हालाँकि मैं आपको टाइम नहीं बता सकता अभी, ठीक है। जहाँ पर देख सकते हो 1:15 हो रहे हैं, तो अभी हम भाई ये ऑर्डर होल्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई हमें और ऑर्डर नहीं चाहिए अभी। बड़ी भयंकर वाली बारिश हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता भाई। ये तो मैंने गोबर को कवर कर लिया, मेरे पास कवर पड़ा था बैग में, तो कवर कर लिया, थोड़ा छूट हो रहा है। अभी भाई बादल वगैरह देख सकते हो किस तरह से चमक रहे हैं, बड़ी भयंकर वाली बिजली चमक रही है। मेरे को लगता है आज की बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने लेट नाइट काम करके, ठीक है। तो अभी जल्दी से घर के लिए श्री राम के पास खड़े होते भाई, भाई 1:30 या 2 बजे ऑर्डर डिलीवर मारते हैं बोला। तो जहाँ पे आप लोग देख सकते भाई 1:30 बज गया, तो पिज्जा विंग से भाई रूपनगर से पिकअप पड़ी है पिज्जा विंग की। बार बारिश देख सकते कितनी भयंकर वाली बारिश हो गई है, बादल चमक रहा है। और भाई अपने को डर भी लग रहा था, तूफान चल रहा है एकदम से, अखनूर रोड पे पानी भर गया, 2-3 बार तो गिर भी गया था, बच गया बाल बाल, रोड पे काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया। तो अभी फाइनली गाइस आपका भाई पहुंच चुका भाई पिज्जा विंग, पिज्जा विंग से ऑर्डर ले लिया। बर्फ बारिश देख सकते भाई कितनी भयंकर वाली बारिश हो रही है। और भाई गलती से ना पानी लगने की वजह से भाई ऑर्डर डिलीवर हो गया था, वो जो ग्रैंड स्टैंड का मैं लेके गया हूँ भाई रूपनगर, मैंने वो डिलीवर तो नहीं माना, मैं सोच रहा श्री राम के पास खड़ा था, पर वो ऑर्डर गलती से डिलीवर हो गया। और भाई रास्ते में इतना तूफान और बारिश चल रही है, अपने हेलमेट वगैरह गिली हो चुकी है पूरी। तो ये ऑर्डर मेरे को आनंद नगर ही देना है, तो हो सकता है आपको भाई ये ऑर्डर होल्ड करके भाई घर चला जाए। तो टाइम बताते हैं भाई आपको टाइम क्या हो रहा है। तो हेलो जी, अभी टाइम आ गया भाई आप सभी को बताने का कितनी आनी हुई अपनी, तो लेट नाइट की बताऊंगा मैं। सबसे पहले भाई 2 घंटे में 2 ही ऑर्डर हुए, पहला ऑर्डर मेरे को लेट नाइट 12 से 1 में ग्रैंड स्टैंड का साइन हुआ, 10-15 मिनट मेरे को वहाँ पे लग गया पिकअप में। तो जैसे मैं निकला हूँ पलोड़ा चौक में पहुँचा, मेरे को रूपनगर में ऑर्डर ड्रॉप करना था, तो मैं पलोड़ा चौक में पहुँचा, काफ़ी ज़्यादा बारिश आ गया ऑन द स्पॉट में, वहाँ पे रुक गया मैंने रेनकोट वगैरह पहना। तो भाई बारिश के साथ साथ तूफान चलना भी स्टार्ट हो गया, तो मैं थोड़ी देर खड़ा हो गया 10 से 15 मिनट, कस्टमर की कॉल आई भैया कितना टाइम लगेगा, मैंने बताया उनको बारिश और तूफान काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जैसे मैं 10 बजे वहाँ पे पहुँचा, ऑर्डर डिलीवर नहीं करना था मैंने को, मैंने सोचा भाई मैं रूप श्री राम के बाहर खड़ा था, वहाँ पे 2 बजे डिलीवर करूँगा, और बारिश की वजह से पानी पड़ गया था, खुद ही ऑर्डर डिलीवर हो गया भाई मेरे को, भाई पिज्जा विंग का ऑर्डर साइन हो गया। जबकि मैंने दोनों ऑर्डर, जब मैं ग्रैंड स्टैंड का ऑर्डर लेके जा रहा था, मैं राधा कृष्णा मंदिर के पास पहुंचा था, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, मैंने सर जी की वीडियो बना के भी शेयर करी है, तो भाई उसका मेरे को ग्रैंड स्टैंड के ऑर्डर में कोई सर जी नहीं मिला है। और पिज्ज़ा, हाँ पिज्ज़ा विंग का मेरे को 6 किलोमीटर का पिकअप पड़ा, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी अखनूर रोड पर भाई, इतना ज़्यादा पानी भर गया था ना भाई, 2-3 जगह तो इतना पानी भर गया था मैं गिरने भी वाला था, बच गया बाल बाल, मैं आस्ता आस्ता चला रहा था फिर भी। और भाई अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ 185 रुपीज़ रनिंग है, जहाँ पे चेक कर सकते हो भाई कंपनी ने एक ऑर्डर में सर्च दिया, हालांकि दोनों ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, पहले ऑर्डर में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मेरे को गोबर खोल के अपना भाई बैग में डालना पड़ा, ठीक है। तो मैं अपना फेस टाइम भी घर पर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर लाइट वगैरह बंद है, बादल चमक रहे हैं, मैं भी डर गया भाई जितनी जोर से बादल वगैरह चमक रहे थे, ठीक है। तो आज का ब्लॉग अपना यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं भाई सीधा आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो भाई देख सकते हो आपको भाई कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, प्लीज़ बाइक बन के घुमाओ जा जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होगा भाई, ठीक है। तो आज का ब्लॉग अपना यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट डे, तब तक के लिए राम राम।